Hello viewers, welcome back to my channel Memunas Magic. आज मैं आपको रोगनी रोटी बनाना बताती हूँ. इसके लिए हमें चाहिए 2 कप्स व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा 2 कप्स, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, देसी घी 1/2 कप, वाटर 1/2 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून. चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ. व्यूअर्स, आटे में आप थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दीजिए. फिर आप 2 टेबलस्पून देसी घी डालिए. रोगनी रोटी बहुत टेस्टी होती है व्यूअर्स ये. उसके बाद आप डालिए कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, 1, 2. चलिए अभी आप थोड़ा सा वाटर डालना. अब इसको अच्छे से गूंद लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से. अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा 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 करते जाना है इसको, ज़्यादा एकदम नहीं डालना. ये देखिए, फिर और थोड़ा डालिए. घी की अच्छी स्मेल आ रही है, देखिए बस. और 1 टीस्पून ऑयल, एक टीस्पून घी और थोड़ा वाटर. चलिए इसको और अच्छे से मिलाइए और 10 मिनट्स के लिए रख देना गूंद के. मैं बताऊंगी आपको. व्यूअर्स, आटा अच्छे से गूंदी में 10 मिनट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे रोटी बनाना. चलिए व्यूअर्स, ये आटा रेडी हो गया. चलिए अब हम रोटी बनाएंगे. व्यूअर्स, चलिए अभी हम रोगनी रोटी को बेलेंगे. थोड़ी तीखी रखेंगे. ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा मेमनास मैजिक, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. देखिए रोगनी रोटी, इसको 2 डेज भी आप रख के खा सकते, खराब नहीं होती. स्लो फ्लेम रखिए. इसको घी लगाइए आप. ये देखिए अभी इसको आप घी लगाइए. ये मेरी मम्मी बनाते थे, उनकी रेसिपी है ये रोगनी रोटी. जब हम लोग छोटे बच्चे थे, किड्स थे, जब हम लोग बोलते तो वो बना के हमको खिलाते. अभी इसको हम थोड़े से स्लाइस डालेंगे.
लेंगे थोड़ा, इसको कपड़े से सेक लिया, अच्छी स्मेल आ रही थी, यस अच्छा गोल्डन ब्राउन सेक। यस थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, थैंक यू वेरी मच। अभी सेकेंड साइड भी आप घी लगाइए, टर्न करिए, देखिए कितनी जबरदस्त रोगनी रोटी। माय मदर्स रेसिपी, देखिए बस तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाइए आप इसको, टू डेज तक भी रख के आप खा सकते, बिल्कुल खराब नहीं होती। चलिए अब मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। व्यूअर्स रोगनी रोटी इज रेडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, बाय।